अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। और कल मैं वीडियो नहीं बना सकी, कल पूरा दिन हमारा हॉस्पिटल में गुजरा है। ना मेरी तबीयत ठीक है, ना बच्चों की तबीयत ठीक है, और बच्चों के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, जिसकी वजह से टाइम ही नहीं मिल रहा बिल्कुल वीडियो बनाने का। और कल तो हमारा नेट भी पूरा दिन नहीं चल रहा था, आज भी कभी चल रहा है कभी नहीं चल रहा। अभी वीडियो डालकर जो है चेक करते हैं कि अपलोड होती है कि नहीं, क्योंकि शॉर्ट तो मेरे अपलोड हो ही नहीं रहे। और आप सुनाया सब कैसे हैं। इस वक्त पाकिस्तान के हालात तो बहुत ख़राब चल रहे हैं, अजीब सी सिचुएशन है। हर शख्स इस वक्त ज़हनी टेंशन में मुब्तला है। अल्लाह पाक रहम फरमाए हमारे मुल्क पर। कुछ समझ नहीं आ रहा कि किस तरफ मुल्क के हालात जा रहे हैं। यकीनन आप सब भी इस वक्त जो है मेरी तरह टेंशन में तो होंगे कि मुल्क के कैसे हालात जा रहे हैं। अल्लाह पाक रहम फरमाए। जब बच्चे घर से स्कूल जाते हैं और हस्बैंड जॉब पर जाते हैं तो फिर ज़्यादा टेंशन होती है कि अल्लाह करे खैर खैरियत सब घरों को आ जाए। अल्लाह पाक मेरे मुल्क के अमन को जो है सलामत रखे, दोबारा से जो है सब कुछ ठीक हो जाए, सब वैसे के वैसा हो जाए मुल्क में जैसा पहले चल रहा था। और अभी इस वक्त रात के 2:45 बज रहे हैं और मैंने अभी बच्चों को जो है तैयारी कराई है पेपरों की, कि कभी आ रहा है कि छुट्टी है, कभी हो रहा है कि कल जाना है, कुछ समझ नहीं आता। कभी ऐलान होता है कि छुट्टी हो गई है, फिर स्कूल से मैसेज आता है कि नहीं छुट्टी नहीं है, आना है। तो इस सिचुएशन में कुछ समझ नहीं आ रहा कि बच्चों को किस तरह लेकर चले। बच्चे कहते हैं कि छुट्टी है तो हम बाद में पढ़ लेंगे, फिर ऐलान हो जाता है छुट्टी नहीं है तो फिर नींद से उठा के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। कभी भी जो है मैं समझी थी कि हो सकता है कि कल छुट्टी हो, लेकिन अभी तक तो स्कूल से कोई मैसेज नहीं आया कि छुट्टी है कि नहीं है। अभी तो मैंने फिर रात को बच्चों को उठा के ही पढ़ाया है। अभी बच्चे पढ़ के सोए हैं और अब जैसे इनके यूनिफॉर्म वगैरह जो है धो के रखे थे दोपहर में, अब वो इस्त्री करने हैं। और इसके बाद जो है फिर मैं भी थोड़ा रेस्ट करूँगी, फिर इंशाल्लाह जो है सुबह 6 बजे बच्चों को उठाकर दोबारा थोड़ा पढ़ाना है। बस यही सिचुएशन चल रही है। और बस दुआ करें कि बस सब कुछ बेहतर हो जाए। आप भी जो है घर से निकले तो बहुत ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। बस अल्लाह पाक से अपने मुल्क के लिए दुआएं करते रहें। इस वक्त पाकिस्तान जो है इस वक्त बहुत ही तकलीफ़ से गुजर रहा है, मुझे लग रहा है पाकिस्तानी कौम इस वक्त टेंशन में। आप सब अपने मुल्क के लिए दुआएँ करें अल्लाह पाक से कि सब अच्छा हो जाए। बस दिल खुश नहीं है, मुल्क के हालात देख के दिल उदास है, बहुत ज़्यादा उदास है। कुछ भी करने का दिल नहीं चाह रहा, ना हंसने का दिल चाह रहा है, ना कोई खुशी मनाने का दिल चाह रहा है। बहुत उदास सी कैफियत है मेरी। अल्लाह पाक बस सब कुछ ठीक कर दे मेरे परवरदिगार। बस रोने का दिल चाह रहा, दिल चाह रहा है रोऊं मैं अपने मुल्क के हालात देख के, बहुत अंदर से रोना आ रहा है। बस दुआएं करें अपने मुल्क के लिए, आप भी दुआएं करें, मैं भी दुआएं करती हूँ। अल्लाह पाक इंशाल्लाह सब बेहतर कर देगा मेरे मुल्क पाकिस्तान को। अल्लाह पाक जो है आबाद रखे, कायम रखे, इसके अमन को कायम रखे और अमन की फिज़ा फिर से कायम हो जाए। अल्लाह पाक जो है सबके लिए आसानियाँ पैदा करें। अब तक के लिए इतना ही। और इनाया बेटा आप सो जाओ, ये इनाया अब तक जाग रही हैं, रात के 3 बज रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ बच्चों के यूनिफॉर्म इस्त्री करने, मुझे तो मैं बच्चों के यूनिफॉर्म इस्त्री करने जा रही हूँ। गाइस तो बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ 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 एक बार फिर कह रही हूँ कि मुल्क के लिए दुआएं करें, अल्लाह पाक जो है ठीक कर दे सब कुछ। आमीन सुबह। अल्लाह हाफिज़।